बेंड्योर जीके और पेरेंट कंपनी प्रेपक्यू की ओर से मैं मनीष खाणे करंट अफेयर्स के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के इन एडिशंस में हम डिस्कस करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आपको किसी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि टिस है, इरमा है, आईएफटी, जैट, इस तरह के एग्जाम्स में दिखेंगे, या फिर किसी सरकारी एग्जाम में, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे कि बैंक या आरआरबी या इंश्योरेंस या एसएससी, इस तरह के एग्जाम में दिख सकता है। इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ शीट के लिए लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में मिलेगी, वहां से आप इस सेशन से जुड़ी हुई शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आज की डेट है 26 मार्च 2019, और चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, सुदीन धवलकर, विजय सरदेसाई वर अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? इसका सही जवाब है गोवा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था और आपने सुना भी होगा कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी, उनका दुखद निधन हो गया। उनके निधन के बाद प्रमोद सावंत नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं गोवा के, और इसके अलावा दो जो उनकी बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, और वो हैं सुदीन धवलकर और विजय सरदेसाई। जब हम गोवा की बात कर ही रहे हैं तो गोवा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें जानना ज़रूरी है, याद होनी चाहिए। गोवा एरिया वाइज हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट है एरिया के हिसाब से। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा स्टेट हो जाएगा। सिक्किम की पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख के आसपास है। सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट जो है वो है राजस्थान। गोवा के चीफ मिनिस्टर अभी प्रमोद सावंत है, जैसे मैंने आपको बताया है। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा में सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहला है पणजी और दूसरा है मडगांव। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट असेंबली पास्ड अ बिल फॉर टोटल लिकर प्रोहिबिशन? इसका सही जवाब है मिजोरम। तो मिजोरम में पहले भी 1997 से 2015 तक लिकर प्रोहिबिशन एनफोर्स्ड था, और 2015 में इस प्रोहिबिशन को हटाया गया, और 2019 में ये प्रोहिबिशन फिर से लागू कर दिया गया। तो मिजोरम की असेंबली है, उन्होंने एक बिल पास किया था जो टोटल प्रोहिबिशन ऑफ लिकर सेल्स से संबंधित था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब लिकर का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, सेल, कंजम्पशन, जो कॉमन लोगों का है, ये सारा का सारा बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम विच गेट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन बाय अ जेनेवा बेस्ड नॉन प्रॉफिट फर्म? इसका सही जवाब है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका क्या महत्व है इंडिया के लिए? तो ध्यान रहे, इंडिया में बहुत सारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, बोर्ड्स इंडस्ट्री है, प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। और कई वेस्टर्न कंट्रीज ने नॉन सर्टिफाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बैन लगाया हुआ है, जिसके चलते हमारे यहाँ से जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया की, तो ये काफ़ी दिनों से इनकी मांग थी कि इस तरह का फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन किया जाए ताकि उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स नए नए खुलें और वो अपने प्रोडक्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन यूनियन में, यूएसए में बेच पाएं। तो ये इस सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड का इम्पोर्टेंस है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कदम है। तो ध्यान रहे, इंडिया की पहली फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, इस स्कीम का नाम है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 24th
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है करमबीर सिंह। तो 23 मार्च को इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को अगला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पे प्रमोट कर दिया गया है। ये आज के जो नेवल चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, एडमिरल सुनील लांबा, इनकी रिटायरमेंट जो कि मई 2019 में ड्यू है, इनकी रिटायरमेंट के बाद करमबीर सिंह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभालेंगे। आज की तारीख में वो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड के हैं और जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। करमबीर सिंह जलंधर पंजाब के हैं और इनको नेवी में 1980 में कमीशन किया गया था। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और अति विशिष्ट सेवा मेडल के से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, जिमी कार्टर हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स। और अब जिमी कार्टर 94 साल के हैं लगभग, और ये अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था, और ये सबसे ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने। तो इनको ही इज़ बिकम द लॉन्गेस्ट लिविंग प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, एचिंग हिज नेम नेक्स्ट टू अनदर माइलस्टोन एज ही कंटिन्यूज अ रिच पोस्ट प्रेसिडेंशियल लाइफ दैट हैज स्पैन्ड नियरली 4 decades। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट अलाउज अमेरिकन शिप्स एंड वॉरप्लेन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज ओमान। तो ओमान ने ये ऐसा एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत अमेरिका के शिप्स और वॉरप्लेन्स ओमान के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का फायदा उठा सकेंगे, वहां से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट का एम ये है कि ओमानी और अमेरिकन मिलिट्री रिलेशंस में बढ़त हो, इंक्रीज हो, उनके रिलेशंस बेहतर हो। ओमान ऑफिशियली सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है। ये एक अरब कंट्री है जो अरेबियन पेनिनसुला वेस्टर्न एशिया में स्थित है, वहाँ पे है, और इसकी कैपिटल है मस्कट, और करेंसी ओमान की है ओमानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर्स एट विच यूनिवर्सिटी इन यूएस हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू प्यूरिफाई वाटर यूज्ड इन ऑयल रिफाइनमेंट? द करेक्ट आंसर इज पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रहे, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसका एक मेजर बाय प्रोडक्ट है वाटर, और इस वाटर का हैंडलिंग उस ऑयल रिफाइनरी के लिए एक मेजर चैलेंज होता है, क्योंकि ये पानी जो ऑयल रिफाइनरी में प्रोड्यूस होता है ये हाउसहोल्ड कंजम्पशन के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए अनफिट होता है, क्योंकि जो रिफाइनरीज में पानी बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है इसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिसके कारण उसे घरों में यूज़ नहीं किया जा सकता था। और काफ़ी सारी कमर्शियल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल तो हैं इस पानी को अलग करने के लिए, पर वो ट्रीटमेंट सारी बहुत एक्सपेंसिव हैं और सारे के सारे कॉन्टामिनेंट्स, सारी के सारी इम्प्योरिटीज़ पानी से नहीं निकाल पाती, और यही पे इस रिसर्च का महत्व है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएस में है, जिसके रिसर्चर्स ने एक ऐसी प्रोसेस डेवलप कर ली है जिससे वो वाटर को प्योरीफाई कर सकें, स्पेशली वो वाटर जो ऑयल रिफाइनमेंट में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जैपनीज अनमैंड स्पेसक्राफ्ट दैट प्रोब्स एस्टेरॉयड रियुगू एंड डिस्कवर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स कंटेनिंग वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द एस्टेरॉयड? इसका सही जवाब है हायाबुसा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी इन पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन developed a storage device that can translate digital information into DNA? इसका सही जवाब है Microsoft। तो 22 मार्च को Microsoft ने अनाउंस किया कि
कि उन्होंने एक स्टोरेज डिवाइस डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ पार्टनरशिप में, जिससे डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डीएनए पे उतारा जा सकता है। मतलब जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता ही है बाइनरी में स्टोर होती है, मतलब जीरोज और वंस में स्टोर होती है, और इस इन्फॉर्मेशन को डीएनए सीक्वेंस में ट्रांसलेट किया है इनके डिवाइस ने। और सबसे पहला वर्ड जो ट्रांसलेट हुआ है दैट वाज हेलो, और इस हेलो को ट्रांसफर करने में, ट्रांसलेट करने में 21 घंटे का समय करीब करीब लगा है। तो ध्यान रखिए, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को डीएनए में ट्रांसलेट करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर ये स्टोरेज डिवाइस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट सर रिचर्ड हैडली मेडल फॉर द मेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर रिसेंटली। सर रिचर्ड हैडली मेडल मतलब क्रिकेट के लिए मिला होगा सबसे पहली चीज, और ये मिला है न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को, और विलियमसन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला और रेड पाथ कप फर्स्ट क्लास बैटिंग के लिए भी मिला। इसके साथ ही हम आ गए हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे पे। पहला क्वेश्चन है, नेम द जैपनीज अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट दैट प्रोब्स एस्टेरॉयड रियोगु एंड डिस्कवर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स कंटेनिंग वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द एस्टेरॉयड। और दूसरा क्वेश्चन है, Why was the former US President Jimmy Carter in news recently? इन दोनों questions के answer आपको नीचे comment section में लिखना है। अगर आपको हमारा ये effort पसंद आ रहा है तो इन sessions को अपने study groups में, अपने WhatsApp group में share करना ना भूलें, और हमारे channel को subscribe करना भी ना भूलें। अगर आप CAT aspirant हैं तो हमारी website www.myprepq.com के माध्यम से आप 3 बेहतरीन कोर्सेज पा सकते हैं, कैट कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन, माई प्रेप क्यू कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन और प्रेप DILR कॉम्प्रिहेंसिव। ये तीनों कोर्सेज बेसिक से एडवांस लेवल तक जाते हैं। अगर आप एप्टीट्यूड से रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फ्री रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो मेंड्योर मैथ्स, मेंड्योर रीजनिंग और मेंड्योर GK, ये 3 बेहतरीन फ्री रिसोर्सेज हैं। अगर आप करियर रिलेटेड कोई एडवाइस चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।